We will discuss in this video about the repetition of the article. As you can see here, repetition of the article. यहाँ पे पुनरावलोकन हम करेंगे article the का. Okay? आगे क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप point wise देखते जाइए. Number one में if I say, third में देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है third point में 113 में, if I say, यदि हम कहते हैं I have a black and white dog, I mean a dog that is partly black and partly white. But if I say I have a black and a white dog, तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस में हम आप देखते हैं क्या बताया जा रहा है डियर, कि जैसे हमने सर्कल किया, पहला सेंटेंस आप पढ़िए उसके बाद दूसरा. अब देखो पहले में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, क्या बताया जा रहा है, आई हैव ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, मतलब मेरे पास काला और ब्लैक, काला और सफेद दोनों कुत्ता है. बट यहाँ पे मैं दो कुत्ते के बारे में चर्चा हो रही, लेकिन नेक्स्ट लाइन में जो मैंने सर्कल किया है उसमें देखिए आई हैव ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग, अर्थात मेरे पास एक कुत्ता है जो कि पूरा काला है और एक कुत्ता है जो कि पूरा सफेद है. तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है. ओके, नेक्स्ट आई मीन टू डॉग्स, वन ब्लैक एंड द अदर व्हाइट. ओके, हेंस व्हेन टू आर मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाइंग द सेम नाउन, क्या चीज, सेम नाउन्स, द आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली, बट व्हेन दे क्वालिफाई द डिफरेंस नाउन, किसको, डिफरेंट नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं, आर अंडरस्टूड, आर्टिकल इज नॉर्मली यूज बिफोर ईच एडजेक्टिव. अब यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल को दिया गया है, कंपेयर करना है आपको. ये वाले पॉइंट को देखिए, द सेक्रेटरी एंड टीनेजर एंड ट्रेजरर इज अब्सेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, खजानदार दोनों अब्सेंट हैं. अब यहाँ पे दूसरे में है द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर अब्सेंट. अब यहाँ पे देखिए दोनों के साथ द का प्रयोग किया गया है, बट यहाँ पहले वाले में क्यों, पहले के साथ किया गया है और इसके साथ द का प्रयोग नहीं किया गया है. अब दोनों का सेंस क्या होता है, द फर्स्ट सेंटेंस क्लियरली इंडिकेट दैट द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर हेल्ड बाय वन पर्सन, अर्थात दोनों पद किसी एक को मिला है पहले सेंटेंस में. दूसरे में बताया जा रहा है कि दोनों पद दोनों व्यक्तियों को मिला हुआ है, अर्थात अलग अलग लोगों को वह पद मिला हुआ है, जैसे कि आप समझ सकते हो. नेक्स्ट में यह बताया जा रहा है कि द रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल इन सेकेंड, इस वाली लाइन में देखिए, द रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल इन द सेकेंड सेंटेंस इंडिकेटेड दैट द टू पोस्ट आर हेल्ड बाय टू डिफरेंट पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया. इसके बाद एग्जांपल पॉइंट्स को आप देखिए, हेंस वी सी दैट व्हेन टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन. ओके, और थिंक द आर्टिकल इज ऑर्डिनरी यूज बिफोर द फर्स्ट ओनली, अर्थात कहने का मतलब जब दो वस्तुओं को रिफर किया जा रहा हो तो दो वस्तुओं को रिफर करने में पहले के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, बाद वाले के साथ नहीं. बट व्हेन टू मोर कनेक्टेड नाउन्स रिफर टू डिफरेंट पर्सन, अगर अलग अलग रोगों को अलग अलग नाउन्स आते हैं और अलग अलग रूपों में रिप्रेजेंट होते हैं तो उनको, उनके साथ वहां पे द आर्टिकल का यूज प्रत्येक के साथ किया जाता है. ओके, ऑल्सो एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे यहाँ पे सर सुरेंद्रनाथ वॉज ए ग्रेट ऑरेटर, सर सुरेंद्रनाथ वॉज ए ग्रेट ऑरेटर एंड स्टेटमैन. अब यहाँ पे सुरेंद्रनाथ जो है वो दो पद है उनका, कौन कौन सा, एक ऑरेटर का और एक स्टेट्समैन का, लेकिन यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया गया है. लेकिन अलग रूप में देयर आर द कमेडी अमंग द अदर्स ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड ए ग्रेट लॉयर. अब यहाँ पे एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट है और एक ग्रेट लॉयर है, तो दो व्यक्ति हैं, दोनों अपना एडजेक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द का आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है. पॉइंट नंबर 115 में देखिए, वी मे आइदर से, या हम कह सकते हैं कि द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, तो दोनों के साथ द का प्रयोग किया गया है, चैप्टर उसको जुड़ा है, अथवा द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स. अब यहाँ पे चैप्टर अगर होता तो द द दोनों के साथ आता, बट यहाँ पे चैप्टर्स प्लूरल में रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों में से किसी एक के साथ, अर्थात पहले वाले के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है. ओके, नेक्स्ट 16 पॉइंट में देखिए, इन एक्सप्रेसिंग ए कंपैरिजन, यानी तुलना रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है,
कंपैरिजन प्रकट हो रहा है तो इफ नाउन्स आर रेफर्ड टू द सेम पर्सन और वो कंपैरिजन किसी एक नाउन या एक व्यक्ति या वस्तु की तरफ इंडिकेट कर रहा है द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली तो दोनों पर्सन के साथ में केवल फर्स्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा दूसरे के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा ओके नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स में जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है इसका पूरा पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं कि ही इज ए बेटर मैकेनिक देन क्लर्क अब यहाँ पे देखिए ही इज ए आया आपका आर्टिकल किसके साथ कंपैरेटिव डिग्री देन क्लर्क के साथ ओके नेक्स्ट पॉइंट में ही इज ए बेटर पोएट देन नॉवलिस्ट अब यहाँ पे नॉवलिस्ट और पोएट है दोनों के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है अब पहले में द आर्टिकल ए आया है जबकि दूसरे में कंपेरिजन द का प्रयोग किया गया है थर्ड में देखिए ही इज ए बेटर थिंकर देन डिबेचर ओके तीनों चारों एग्जांपल आप देखिए ही वुड मेक ए बेटर इंजीनियर देन लॉयर ओके आशा करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कुछ इरिगेशन दिया जा रहा है बट इफ कौन सा पॉइंट इसमें बट इफ दे रिफर टू द डिफरेंट पर्सन और थिंग यदि वो अलग अलग पर्सन या वस्तु को रिफर करते हैं द आर्टिकल मस्ट बी यूज विद सच नाउन अर्थात उनके सबके साथ द का प्रयोग आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा आर्टिकल में तीनों आर्टिकल में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा जैसे ही इज ए बेटर मैकेनिक यहाँ पे ए बेटर मैकेनिक देन के बाद देखो यहाँ नहीं था यहाँ पे देन के बाद देखो एक कलर आया हुआ है ओके इन द सेम वे मेक ए बेटर स्टेट्समैन देन ए फिलोसफर अब यहाँ पे आपने देखा कि आर्टिकल का प्रयोग आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है तो जैसे कि आपने यहाँ पे इस पॉइंट्स को कंप्लीटली अंडरस्टूड किया डियर आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आर्टिकल कंप्लीटली आप अंडरस्टूड कर लिए होंगे वीडियो को बार बार देखिए और आर्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करिए यह आपका आर्टिकल का लास्ट वीडियो है मिलते हैं